देखिए, ये दो गैलोमीटर हैं, एक ये गैलोमीटर है, एक ये गैलोमीटर। जैसे गैलोमीटर आया तो आपके पहले तो दिमाग में पूरा गैलोमीटर का चित्र आ जाना चाहिए, ठीक है, और उसकी वर्किंग आ जाना चाहिए। उसमें एक था सस्पेंडेड कॉयल, सस्पेंडेड गैलोमीटर था, और एक था पायोटेट। इसमें सस्पेंडेड की सेंसिटिविटी ज़्यादा अच्छी होती है, पायोटेट की थोड़ा कम होती है। इसमें पहले जो गैलोमीटर है उसके कॉयल की रेजिस्टेंस दी है 10 ओम, दूसरे का रेजिस्टेंस 15 ओम, पहले के नंबर ऑफ़ टर्न्स 32। हर जगह नंबर ऑफ़ टर्न्स में आप पर यूनिट लेंथ का चक्कर ना पड़िएगा, पर यूनिट लेंथ केवल सोलेनाइड अलग से हैं, साले एनोइड नाम है ऐसा रखा, गुस्सैल साला नहीं, मतलब कोई कोई लॉजिक रहा होगा नाम देने का, नहीं रहा होगा, क्यों क्या रहा होगा पता नहीं, कुछ रहा होगा। N242 जैसे पॉजिट्रॉन का नाम सुना होगा आपने, वो तो हम जानते कैसे नाम दिया गया होगा। एक्चुअली विल्सन क्लाउड चैम्बर आपके सिलेबस हट गया है, उसमें एक्सपेरिमेंट हो रहा था और एक पार्टिकल निकला हूबहू इलेक्ट्रॉन की तरह, हूबहू इलेक्ट्रॉन तरह, और तो उसको किस तरफ जाना चाहिए था, नेगेटिव प्लेट की तरफ या पॉजिटिव प्लेट की तरफ। अगर हम मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दें तो वो नेगेटिव तरफ जाना चाहिए, चला किधर चला गया, उधर जाना चाहिए था। अच्छा, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव तरफ जाएगा, हमने क्या बोला, हमने कहाँ कहा पॉजिट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन की तरह हूबहू था और हमको नॉलेज था इलेक्ट्रॉन का, तो उसको किधर जाना चाहिए, वो चला किधर गया, निगेटिव तरफ। तो कोई इंडियन साइंटिस्ट रहा होगा, बोले देखो बड़ा पाजी है, किधर जा रहा है, पाजी कहीं का, पाजी होता ना इंडियन में, तो अंग्रेज जो साइंटिस्ट रहा होगा, या यू आर राइट मिस्टर वाजपेयी, इट विल बी पॉजिट्रॉन। तो हमको लगता है जैसे बोसान थ्योरी आपने पढ़ी होगी, तो जगदीश चंद्र बसु जो आपके इंडियन मैथमेटिशियन के नाम से पढ़ी है, बोसान थ्योरी केमिस्ट्री पढ़ाई गई होगी, अभी फिजिक्स थोड़ी बहुत पढ़ाई जाएगी। देखिए, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिया है, एरिया ऑफ इसका एरिया दिया इधर लिखिए, और इसका मैग्नेटिक फील्ड दिया, इसका मैग्नेटिक फील्ड दिया है। वर्किंग आपको मालूम है कैसे ये वर्क करता है। क्वेश्चन कह रहा है द स्प्रिंग कॉन्स्टेंट्स आर आइडेंटिकल फॉर टू स्प्रिंग्स, इनमें स्प्रिंग लगी होती है ना, सस्पेंडेड कॉयल में भी फॉस्फर ब्रॉन्ज की कॉयल सस्पेंड होती है और नीचे एक हेयर स्प्रिंग लगी होती है। क्वाइल जब वो क्वाइल घूमती है तो वो जो ब्रॉन्ज की स्ट्रिप होती है वो ट्विस्ट होती है, तो स्प्रिंग भी ट्विस्ट होती है। तो स्प्रिंग का जो कांस्टेंट है वो दोनों का सेम है। तो कहा गया करंट सेंसिटिविटी का रेशियो निकाल, डिटरमाइन द रेशियो ऑफ करंट सेंसिटिविटी। पहला पार्ट आपसे कहा गया कि आप करंट सेंसिटिविटी का रेशियो निकालिए। करंट सेंसिटिविटी का फार्मूला क्या होता है, यूनिट करंट फ्लो होने पर क्वाइल कितना डिफ्लेक्ट होती है। करंट सेंसिटिविटी को किसी से इंडिकेट तो किया नहीं गया था, तो हम करंट सेंसिटिविटी ऐसे लिख दें फॉर फर्स्ट कॉइल, चलेगा। तो क्या होगा, क्या फॉर्मूला होगा करंट सेंसिटिविटी, और कुछ दिया तो है नहीं, इतने दिया हुआ है। करंट सेंसिटिविटी का फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा अपान आई। नहीं, हम फॉर्मूला वहाँ से उठाएंगे जहाँ से हमको मालूम है, मतलब मान लिया आप, वो तो उनके लिए जिनको आता ही नहीं फार्मूला, मतलब यहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं। तो इसका कॉन्सेप्ट क्या बताया गया था कि जब हम कॉयल को मैग्नेटिक फील्ड में रखते थे, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड में, उसमें थीटा हमेशा कितना था 90 डिग्री, क्योंकि रेडियल मैग्नेटिक फील्ड था ना, तो वहाँ टॉर्क कितना था एन आई ए बी, वो किसके इक्वल था सी अल्फा के, ठीक है। तो यानी कि जब अल्फा की वैल्यू यहाँ रखेंगे क्या आएगा, एन ए बी अपान सी, यही तो आएगा ना। तो जब यानी ये फॉर्मूला हमको क्लियर हो गया, ठीक है, तो यहाँ पर C कहो या K कहो, जो भी कहो, C क्या है, टॉर्जनल कांस्टेंट कहा गया, स्प्रिंग कांस्टेंट नहीं, तो एन ए बी अपान C होगा ना। तो जब आप पहले क्वाइल के लिए करेंगे तो क्या लिखेंगे, एन वन ए वन बी वन अपान C, पहली क्वाइल के लिए होगा, यही फॉर्मूला होता है ना, हाँ ठीक है। और जब आप करंट सेंसिटिविटी फॉर सेकेंड क्वाइल लिखेंगे तो क्या आएगा, एन टू ए टू बी टू अपान सी, चूँकि स्प्रिंग का जो टॉर्जनल कांस्टेंट है वो सेम है। अब आपको निकालना क्या है, दोनों का रेशियो, तो सी एस ऑफ वन अपान सी एस ऑफ टू। देखिए ये जो सी एस लिख रहे हैं ना, ये कोई स्टैंडर्ड इसका मतलब वो नहीं है, इसका वो इंडिकेशन, इसलिए इसके बारे में थोड़ी थ्योरी भी लिख दोगे आप कह क्या रहे हो, ठीक है, पता चला कि ये कोई स्टैंडर्ड वो लैंग्वेज है नहीं। ये क्या हो जाएगा, एन वन ए वन बी वन अपान एन टू ए टू बी टू, वैल्यू सब दी हुई है ना, इन वैल्यूज़ को रख दिया जाए, तो सी एस फॉर वन
अपान सी एस फॉर टू इज इक्वल टू, मालूम है पाँच के साथ, अब रख देते तब अच्छा लगेगा। एन वन की वैल्यू कितनी है 30, ए वन की वैल्यू कितनी है 3.6 इंटू 10^-3, बी वन की वैल्यू कितनी है 0.25 अपान एन टू की वैल्यू कितनी है 42 इंटू, ए टू की वैल्यू कितनी है 1.8 इंटू 10^-3 इंटू 0.50। कैलकुलेशन करना आपको आता है, बोले हमको तो आता है तो आप क्या करियो, 18 × 36 ई गई, ये पॉइंट सेम है ना, तो ये कितने टाइम जाएगा 2 टाइम जाएगा, ये किससे कटेगा 2 से 2 कट जाएगा, ये कटेगा किससे 6 × 6 = 30 × 6 = 42, तो ये आएगा सी एस ऑफ 1:2, सी एस ऑफ 2 = 5:7, ये रेशियो आएगा। ठीक, नोट करिए। अगला पार्ट क्या बोला है कि वोल्टेज सेंसिटिविटी निकालना है, तो वोल्टेज सेंसिटिविटी कैसे निकालती जाती है, वोल्टेज सेंसिटिविटी ऐसे लिख दे वी एस चलेगा ना, वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या होती है अल्फा अपान वी, यूनिट वोल्टेज में जो होता है, तो अल्फा अपान वी की वैल्यू क्या होती है आई इंटू आर, ये तो फॉर्मूला बन रहा है आपका। अच्छा, अल्फा की वैल्यू अभी आपने क्या निकाली है, इसके बोले अल्फा की वैल्यू क्या निकाली है आपने, एन एन आई ए बी अपान सी, तो एन आई ए बी अपान सी इंटू आई इंटू आर, आई आई गई तो आएगा एन ए बी अपान सी आर, ये वोल्टेज सेंसिटिविटी हो गई। तो वोल्टेज सेंसिटिविटी ऑफ वन अपान वोल्टेज सेंसिटिविटी ऑफ टू चलेगा, डायरेक्ट रेशियो कर दिया हमने, तो यहाँ लिखें क्या आएगा एन वन ए वन बी वन अपान सी, तो सेम हुआ आर वन इंटू एन टू ए टू बी टू अपान आर टू, सी सी कहाँ चला गया, ये सी ऊपर जाएगा ना, सी आर टू, सी सी कट गया, वैल्यू सबकी मालूम है ना आपको, यहाँ बढ़ा कौन है आर वन और आर टू बढ़ा है। अच्छा, पहले यही था ना, तो क्या आंसर आया था 5/7 आया था ना, तो इंटू आर टू कितना है, आर टू है 15 अपान आर वन कितना है, आर वन है आ गया 10, किससे कटेगा ये 5 × 10 15/14, तो हमने 10 कहाँ से, आर टू 15 है और आर वन 10 या ऐसा 14 है, अरे कहाँ बता रहे हो, मतलब वाजपेयी जी बोल रहे हैं तो सब गलत बोले हैं का, हमने गलत लिखा है, आर टू 14 है तो 7 × 2 = 14, तो कितना आ जाएगा ये 2 कट जाएगा, 1 आएगा क्या, 1 आएगा, यानी कि वी एस वोल्टेज सेंसिटिविटी ऑफ 1:2 वोल्टेज सेंसिटिविटी ऑफ 2 = 1:2, इस प्रकार से वैल्यू